एमएल परमार और स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल मैथ से ट्रिक बाय परमार से। दोस्तों अपना आज के रुपी के SSC रीजनिंग प्रैक्टिस सेट 10 और ये आपके SSC MBBSC MDS किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए भी हेल्पफुल रहने वाला। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर लिखा है इसमें, देखो यहाँ पे 15 मित्र एक जन्मदिन की पार्टी में एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कितनी बार हाथ मिलाएंगे, है ना, कितनी बार हाथ मिलाएंगे। देखिए दोस्तों ये हाथ मिलाने वाला क्वेश्चन है, तो इसमें एक फार्मूला होता है कि n और कोष्टक n माइनस 1/2, n का मान दोस्तों 15 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15, और 15 में से एक कम गया तो कितना हो जाएगा 14/2 हो जाएगा, 2 से काटें तो 2 × 7 = 14, 15 × 7 = 105, कितना आंसर आया दोस्तों इसका 105 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ये आंसर इसमें सारे गलत आंसर, 15 की सबसे ये आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाथ मिलाने वाला फार्मूला इस तरह से होता है कि n माइनस 1/2। आयोग के क्वेश्चन से तो सामने आगे होगा, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये वाला आपके सामने रहा अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि देखो 5 * 4 = 15, 5 * 4 = 15 किस हुए? देखो इससे 15 और 4 का अगर गुणा करें तो 15 * 4 = 20 होते हैं, और 20 में ये शुरू वाले जो 5 है अगर ये माइनस कर दें तो 15 जाता है, तो 7 × 8 कितना होगा 56, 56 में से ये 7 अगर माइनस करें तो 16 में 7 गया तो 9 और 4, ये 49 आ गया। इसी तरह 6 × 5 = 30, 30 में 6 गया तो 24 बच गया। इसी तरह 8 + 2 = 32, 32 में से 8 कम करें तो 24 इसका राइट आंसर होगा, तो बी ऑप्शन मैच, ये ऑप्शन अपना मैच करेंगे। आई होप के क्वेश्चन अच्छी तरह सामने आगे होगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। ये वाला आपके सामने देखो, यदि ए का अर्थ प्लस और बी का अर्थ माइनस और सी का अर्थ दोस्तों गुणा और डी का जो अर्थ है वो दोस्तों भाग, तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ दोस्तों 81, अब डी, डी का मतलब क्या है भाग, तो दोस्तों ये भाग का निशान 3, फिर सी, सी का मतलब क्या है गुणा, सी का मतलब गुणा 3, फिर ए दिया, ए का मतलब क्या है धन प्लस, फिर 10, फिर 10A है ना 10, फिर प्लस बी, बी का मतलब माइनस, और 12। अब दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें ये दोस्तों देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग क्या होता है, पहले भाग होता है, तो 3 का 81 भाग लगाएं तो 27, अब 27 में इस 3 का गुणा करेंगे, 27 + 3 कितना हो जाएगा 81, और अब प्लस करेंगे तो 21 + 10 कितना होगा 51 हो जाएगा, इसमें 12 कम करो है ना, तो 11 में से 9 गए तो 2 गए तो 9 बचे, और यहाँ एक कम 8 में से 7, 79 इसका राइट आंसर। आयोग के क्वेश्चन अच्छी तरह सुनने आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 1 जनवरी 2008 को अगर सोमवार था तो 31 दिसंबर 2008 को कौन सा दिन होगा, फिर तो ये देखना है कि 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक
एक वर्ष होता है, लेकिन एक वर्ष में एक दिन कम है। एक दिन क्या है इसमें, कम, बस ये ध्यान रखना है। एक वर्ष होता है लेकिन एक दिन कम है। ये 1 जनवरी तक जाता पूरा साल हो जाता, 1 जनवरी तक इसमें नहीं गया, इसमें एक दिन कम है, ये बात समझ लेना। अब क्या है, 2008 है, तो 2008 दोस्तों लीप वर्ष होता है। 2008 क्या है, लीप वर्ष है, इसमें 4 का भाग पूरा पूरा जल जाता है ना, इसलिए क्या है लीप वर्ष है। कौन सा वर्ष है, लीप वर्ष है। अब लीप वर्ष में क्या होता है दोस्तों कि एक साल में 366 दिन होते हैं, 366 दिन होते हैं। तो अब इसमें 7 से भाग लगाते हैं तो 7 × 5 = 35, कितना बचा 1 16, 7 × 2 = 14, कितना बचा 2। अब जो 2 दिन बढ़ रहा है ये अपना आंसर होगा, लेकिन एक दिन तो पहले अपने कम कर दिया था, तो इसमें से एक दिन और कम होगा तो एक ही दिन बढ़ेगा, यानी सोमवार के बाद क्या होगा, मंगलवार। तो सोमवार बाद बी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। सोमवार से अगर एक दिन आगे बढ़ते हैं तो मंगलवार हो जाता है, 2 दिन बढ़ते हैं, लीप वर्ष में 2 दिन बढ़ेंगे, तो 2 में से 1 दिन तो कम हो गया क्योंकि 31 दिसंबर तक की बात कर रहा है, इसलिए एक दिन पहले मंगलवार ही इसका आंसर होगा। आयोग के क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लोग एक खेल प्रतियोगिता में राम का ऊपर से 8वां वो नीचे से 84वां स्थान, पंक्ति विद्यार्थी है। देखो इसमें क्या होगा, देखो लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 = टोटल, ये लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 = टोटल, यानी कि लेफ्ट, अब लेफ्ट में दायां बायां है ना, ये दाएं बाएं ऊपर नीचे आगे पीछे, ये सारे क्वेश्चन इस तरीके से होते हैं। अब इसने कहा कि ऊपर से, तो ये इसको ऊपर मान लो, तो ये मान लो 8 लिख दो, फिर नीचे से, नीचे से 84, तो इसको 84 मान लो, यहाँ 84 लिख दो, ये ऊपर और नीचे से, दाएं बाएं आगे पीछे लेफ्ट राइट है ना, जैसे भी पूछे वैसे बता दो, माइनस 1, तो यहाँ पे एक कम हो गया 83, 8 × 3 = 11 का 1, 8 × 1 = 91, यानी कि सी ऑप्शन अपना मैच कर, सी ऑप्शन मैच कर। आयोग की क्वेश्चन अच्छे तो समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए 200 से 800 बीच तक का इसने के बीच नहीं कहा, तक का कितनी संख्या 3 और 5 से पूर्ण विभाजित है, 3 और 5 से विभाजित होने का मतलब होता है 3 और 5 का गुणा करेंगे मतलब 15 से, किससे विभाजित होगी 15 से, यहाँ इसको माइनस कर दें तो 800 में 200 गया बच्चा कितना 600, और इसको 15 से डिवाइड करेंगे तो 15 × 60 = 40, तो सी ऑप्शन अपना मैच करके। अगर ये तक नहीं कहता, ये के बीच अगर कहता तो फिर यहाँ 1 माइनस करते, यहाँ पे फिर 1 माइनस करना पड़ता, और 40 नहीं होते 39 ही होता, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए मध्य प्रदेश का मलखम, तो मध्य प्रदेश का राज्य खेल कौन सा होता है, मलखम। अब जापान, जापान का राष्ट्रीय खेल क्या होगा, देखो जा, जापान से जू, जा से ज, जूडू जूडा, ये याद रखें, जापान से ज, जापान का क्या होगा जूडा, जूडो जूडो, जापान का राष्ट्रीय खेल क्या होगा जूडो, है ना, ये ध्यान रखें। तीरंदाजी आयसा की कनाडा का, तीरंदाजी भूटान का, और क्रिकेट इंग्लैंड का, ये भी याद रखें। अब अगला क्वेश्चन देखिए, देखो ये वाला आपको समझ,
यहाँ पे ए के, देखो देखिए यहाँ पे एक है, फिर 10 है, फिर 35, 3 है, 9 है, फिर 60, 8, 7, 75, तो यहाँ क्या आएगा देखो, 3, देखो अब 55 कैसे बना, अगर यहाँ प्लस कर दें तो 10 ने 11, और 11 में अगर 5 का मल्टीप्लाई करें तो 55, इसी तरह इसको अगर जोड़ दें तो 3 और 9 12, 12 में 5 का गुणा कर 52, 60, बिल्कुल सही है। अगर 8 और 7 को जोड़े तो 15, 15 में 5 का गुणा करें 75, इसी तरह यहाँ पे 14 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 20, 20 पंजो 100, ए ऑप्शन में इस करके 100 होगा और ए ऑप्शन का मैच कर जाएगा। आयोग के क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, देखो 20 वस्तु क्रय मूल्य 25 वस्तु विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ यानी ज्ञात कीजिए। देखो इसमें जो विक्रय दे रहा है इसको क्रय बनाएंगे, यानी कि सीपी, सीपी कितना हो गया 25 हो गया, और जो क्रय इसको विक्रय यानी कि सेलिंग प्राइस, ये हो गया अपना 20। तो 25 में खरीदा और 20 में बेचा, 25 में खरीदा और 20 में बेचा मतलब कितना लाभ है 5 रुपए का, सॉरी 20 में बेचा मतलब 5 रुपए की हानि। तो 5/25 × 100 और 25 × 100 और 5 × 20 20, तो 20% हानि, पच्चीस में खरीदा और 20 में बेचा 5, तो 25 × 5 = 20, 20% हानि होगी, 20% इसकी ये लाभ नहीं है यहाँ पे, हानि है, 20% इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन ऑप्शन नहीं रहा, देखो 9,595 रुपये में कार को बेचने 5% की हानि होती है, यदि उसे 20% लाभ पर बेचा जाए तो कितने में बेचेगा। देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो बाद में पूछा जाए उसको ऊपर रखेंगे, ध्यान रखना। पिचन हो जाए बाद में क्या 20% लाभ, मैंने कि 120 और 5% यानी 100 में से 5 घटाया 95 बचा, और 95 से 95 कट गया 1000, कितना बचा यहाँ पे 1000, तो इसके इसको गुणा करें तो 1000 यहाँ पे जुड़ जाएगा, यानी 1,20,000। तो सी ऑप्शन अपना मैच कर गया, सी ऑप्शन अपना मैच कर गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप समझ रहा, तो एक स्कूल में 20 छात्र की औसत आयु 25 वर्ष है, एक शिक्षक को आज की आयु से औसत आयु 35-30 वर्ष हो जाती है। यहाँ पे 5 शिक्षक आए, कितने शिक्षक आए 5 शिक्षक हो आए, शिक्षक के और आ जाने से औसत आयु 25 वर्ष 35 वर्ष हो जाती है, 30 वर्ष हो जाती है, तो 5 शिक्षक की औसत है। देखो ये 20 है, 20 की औसत है कितनी 25, 25 × 50, ये अब 5 और आगे तो 30 शिक्षक कितने हो गए 30 हो गए, कितने हो गए 30 हो गए,
सॉरी यहाँ पे शिक्षक 25 हो गए। और औसत आयु 30 वर्ष होगी, तो 25 × 75 कितने बचे? 250। तो 5 की औसत आयु 250, 5 का भाग लगा दो तो 5 × 25 यानी कि 50 आ गए। तो ये ऑप्शन अपना मैच कर दिया। आई होप के क्वेश्चन अच्छे तरह सुनने आगे होगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।